एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम जीएसटी का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। देखिए, स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि सर आप जीएसटी के और भी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसका आप अपलोड कर दीजिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मोस्ट लाइकली जितने भी रिमेनिंग चैप्टर हैं उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, बट ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं अपलोड नहीं कर पाता बिकॉज और भी काफ़ी जो मेरा मेरे वर्किंग जो स्टफ्स हैं वो पेंडिंग हैं। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वो मैं बाय द टाइम मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो देखिए, ये चैप्टर है दैट इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। देखिए, इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ दैट इज सप्लाई, राइट, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि अगर कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को हम सप्लाई कम मानेंगे, राइट। अब सप्लाई तो मान गए, मान लीजिए आपको पता है कि ये आपके गुड्स हैं और ये आपके सर्विसेज हैं जो कि जीएसटी में आते हैं और उनको सप्लाई भी माना गया है, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम सप्लाई करेंगे किसी भी गुड्स या सर्विसेज को तो उस पर जीएसटी कौन सा लगेगा। जैसे आपको पता है कि जीएसटी, देखिए काफ़ी कितने टाइप्स के जो कि जीएसटी हैं, सीजीएसटी है, SGST है, UTGST है, ITGST है, तो वो किस टाइप का टैक्स लगेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, और जब टैक्स लगेगा तो उसको टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद कौन जाके जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, दैट इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST। ऑलराइट, तो आई गेस आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी। चलिए, अगर बात करें डोमेस्टिक सप्लाई की, तो देखिए डोमेस्टिक सप्लाई मतलब समझ रहे हो, डोमेस्टिक मतलब यहाँ पर वही है, हम बात कर रहे हैं विद इन इंडिया, यानी कि हम यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, हमसे बात करेंगे अगर इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उस केस में जो है पहले देखेंगे कि डिटरमाइन हमें करना होगा कि किस टाइप का टैक्स लगेगा, CGST, SGST, UTGST, IGST, और उसके बाद देखेंगे कि उसको टैक्स को जो है कौन कलेक्ट करेगा, क्या सप्लायर है, क्या रेसिपिएंट है, और फिर देखेंगे गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए डोमेस्टिक सप्लाई मेनली जो हमें हमारी दो तरह की है, इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। अगर देखिए इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो आपको सीधी सी बात है, आपको पता है इंटरस्टेट मींस विद इन द स्टेट, तो आपका CGST प्लस SGST आपका टैक्स लगेगा, राइट। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ दैट मींस डिफरेंट स्टेट में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से गुड्स मूव कर रहे हैं, या फिर एक सप्लायर जो है एक स्टेट में बैठा है और वो जो है सर्विस दे रहा है किसी और दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका IGST। अच्छा, यहाँ पर एक केस और देखना है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है SGST, ज़रूरी नहीं कि हमेशा SGST ही लगे, हो सकता है कि वो स्टेट पर्टिकुलर स्टेट कौन सा UT है, तो फिर क्या लगेगा UTGST, यानी कि CGST प्लस UTGST। राइट, चलिए अब हमें पता चल गया कि मोरलेस हमें पता है कि भाई विद इन द स्टेट है, तो फिर CGST प्लस SGST या CGST प्लस UTGST प्लस अगर इंटर स्टेट सप्लाई रही है तो IGST। लेकिन अब बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, CGST जो को क्या लिखा हुआ, दैट मीन्स इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुई है तो फिर CGST आपका लेवी हो जाएगा। सेम IGST में लिखा हुआ है, और IGST में लिखा हुआ है इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे अगर क्लियरली डेफिनेशन पूछ रहा है कि वट इज ऑल अबाउट CGST, SGST या IGST, तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे नहीं लिखना, आपको कुछ टर्मोलॉजी कुछ टर्म्स आपको यूज़ करने होंगे GST के, उसी के थ्रू आपको अच्छे समझाना है कि ये GST क्या होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CGST बेसिकली क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने मेनली ये दो टर्म, इसको बोलते हैं हम प्लेस ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई सर्विस सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ,
मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपने कोचिंग में दे रहा हूँ, दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ पर है? दिल्ली में। रेसिपेंट कहाँ पर है? दिल्ली में। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आर विद इन द स्टेट, तो फिर क्या लगेगा आपका? दैट इज CGST एंड SGST। बट अगर वहीं अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दी लोकेशन सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में हुए तो फिर क्या लगेगा? IGST। अच्छा याद रखना, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मोस्ट लाइकली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, आप इसका चैप्टर गो थ्रू कर लेना, मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को रेफर करता है मोस्ट लाइकली, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि लोकेशन सप्लायर को ही जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी माना जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। तो जब आप इसको चैप्टर को तब आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। या तो आप फॉर द टाइमिंग आप बस ये समझिए, आपको मेन ढूंढना है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर मान लीजिए ये दोनों एक स्टेट में हैं, विद इन स्टेट हैं, तो आपका क्या कौन सा टैक्स लगेगा? दैट इज आपका टैक्स लगेगा CGST प्लस SGST या फिर UTGST, राइट। एंड अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर मान लीजिए वो इंटर स्टेट में हुए, यानी कि डिफरेंट स्टेट में है, राइट, तो फिर आपका कौन सा टैक्स लगेगा? दैट इज IGST, राइट। दैट मीन्स अगर ऑन ब्रॉड ऑन पेपर की बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट CGST एंड SGST, तो आपको बस देखना है कि वेयर द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड द लोकेशन सप्लाई एंड द लोकेशन सप्लायर आर इन डिफरेंट स्टेट, तो उसके अगर बोलेंगे हम IGST, सेम स्टेट में है तो CGST प्लस SGST या फिर UTGST, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST में मिले हमें ये पांच सेक्शन पढ़ने हैं, दैट इज सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(2), सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) एंड सेक्शन 9(5). देखिए वैसे तो ये जो सेक्शन है हमारे जो है सेक्शन 9(7) एंड (5) में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ जो सेक्शन 9 है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? CGST और SGST के लिए, राइट। सेक्शन जो 7 है वो मेनली है UTGST के लिए, एंड जो सेक्शन 5 है वो बात करता है IGST के लिए, राइट। दैट मींस ये हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन जो है टैक्स कलेक्ट करेगा। अब हमें पता चल गया कौन सा टैक्स लगेगा। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? लेवी एंड कलेक्शन GST। लेवी में क्या है? मीन्स कौन से तरह का टैक्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है हमारी? मेनली ये दो टर्म पे, राइट। वैसे इस चैप्टर वैसे देखिए ये दो टर्म आपको अच्छे से तभी समझ आएगा जब उसको प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, बट वो बाद में पढ़ना, पहले हमें पढ़ना है कि मेनली जो है टैक्स कौन कलेक्ट करेगा और कौन जो है टैक्स तो यानी कि GST जो है वो कौन जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, हमें मेनली उस पर फोकस करना है अभी। तो सेक्शन 9 रेफर करता है CGST या फिर SGST को, सेक्शन 7 रेफर करता है UTGST को, एंड सेक्शन 5 रेफर करता है IGST को। तो सर क्या हमें तीनों सेक्शन पढ़ने हैं? जी नहीं, आपको सारे सेक्शन आपके सिलेबस में हैं, पढ़ने भी आपको सारे हैं, लेकिन जो बातें सेक्शन 9 में भूली गई है वो सेम सेक्शन 7 में भूली गई है, जो सेक्शन 7 में भूली गई है वो सेक्शन 5 में भूली गई है। यानी कि अगर आप सिर्फ एक सेक्शन भी पढ़ोगे, यानी अगर मान लो मैं आपको सिर्फ एक ये सेक्शन पढ़ाऊँ, तो बात एक ही है, बस वर्ड यूज़ कर गए GST। तो यहाँ मैं बात करूँगा सिर्फ GST की, तो जहाँ GST बोल रहा हूँ तो वो GST में सबके लिए है, चाहे UTGST हो, चाहे IGST हो, चाहे SGST हो, चाहे CGST हो, ऑलराइट। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने सिर्फ सेक्शन 9 लिखा है, बुक में तो सर बहुत सारे सेक्शन थे, मैं आपको सिर्फ एक ही सेक्शन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप समझना कि वो कॉपी सबके लिए डिटो सेम है, ऑलराइट। तो ये चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं सेक्शन 9(1) क्या बोलते हैं। सेक्शन 9(1) बोलता है फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मीन्स वेयर द लाइबिलिटी टू पे GST इज ऑन सप्लायर। बस सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हो, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने गुड्स परचेस करा, टैक्स किसने पे करा? आपने। टैक्स कलेक्ट किसने करा? शॉपकीपर ने। टैक्स कौन पे कर रहा है? शॉपकीपर। सो दैट मीन्स टैक्स जो पे कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, जिसके ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का सरकार को, ठीक है, वो कौन है? सप्लायर। तो इसी मैकेनिज्म क्या होते हैं?
ओवर चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि इस केस में हमें देखना है कि सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। तो ये तो सिंपल से बात, इसमें पढ़ने वाले कोई बात नहीं है। अच्छा, सेक्शन 9 में एक बात और बोली गई है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जो मैक्सिमम रेट है वो 20% ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। देखिए वैसे तो हर गुड्स के या हर सर्विस के रेट अलग हैं, किसका 0% भी है, किसका 5% है, 12% है, 28% है, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स एक टैक्स, क्योंकि देखिए हमारे सिस्टम में जो है डुअल टैक्स का रेट है। अगर मान लीजिए किसी टैक्स का रेट जो अगर मान लीजिए 28% है, तो 28% कैसे है, वो सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी तो 14% ले जाता है, राइट। तो एक तरह का टैक्स नहीं लगता आपका 28%। तो हमेशा देखना है कि आपका एक टैक्स अगर एस जी एस टी लगा तो मैक्स टू मैक्स वो 20% ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। वो एक्ट में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, सेक्शन 9(1) में लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो सेक्शन 9(1) क्या बोलता है, सेक्शन 9 में बोलता है, पहले बोलता है कि कौन जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा, यानी कि सप्लायर, ठीक है। तो दैट मीन्स सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर चार्ज, सिंपल। अब बात करते हैं सेक्शन 9(2) की। सेक्शन 9(2) क्या बोलता है, दैट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि गवर्नमेंट में नोटिफाई लेटर ऑन क्या नोटिफाई करेगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी, यानी कि वो सर्टेन गुड्स जो अभी जीएसटी से बाहर हैं क्या क्या हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, टर्बाइन फ्यूल है, आपको पता है इन पे भी जीएसटी नहीं लगता, इस पे अभी भी वैट लग रहा है या एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, राइट। तो जीएसटी से बाहर है, बट मान लीजिए कल को अगर ये जीएसटी में आते हैं तो ये गवर्नमेंट जो है इसको नाइन सेक्शन 9(2) में इंसर्ट करेगी, फिर बाद में नोटिफाई करेगी कि इसमें कौन जो है सरकार को टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना, हमें इसे सेक्शन 9(1) देखना है कि फोर चार्ज लगेगा और सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें पूरे चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो है सेक्शन 9(3), ये सारा मेन क्रक्स है पूरे चैप्टर से, इसे भी डिपेंडेंट होगा। क्या बोला हुआ है, रिवर चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या है, रिवर चार्ज मीन्स वेयर द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन रेसिपिएंट, मतलब क्या हुआ, रेसिपिएंट मीन्स जो गुड्स परचेज कर रहा है या जो सर्विस ले रहा है वही जो है सरकार को टैक्स पे करेगा, सप्लायर नहीं करेगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, अगर हम गुड्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक गुड्स बोले हुए हैं, यानी कि अगर सप्लाई हो रही है इन स्पेसिफिक गुड्स की तो उस केस में रेसिपिएंट ही जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। और गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज बताई हुई हैं कि अगर ये सर्विस सप्लाई हो रही है तो इस केस में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, क्लियर, ऑलराइट। तो रिवर चार्ज मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, वेयर द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन, दैट इज ऑन रेसिपिएंट, दैट्स इट। देन सेक्शन 9(4) क्या बोला हुआ है, सेम एज 9(2), दैट मीन्स मान लीजिए अगर पेट्रोल डीजल पे ड्रेनफुल आता है कभी या कोई भी ऐसे गुड्स या सर्विस जो भी जीएसटी से बाहर हैं तो गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई कर देगी कि ये रिवर चार्ज में आएंगे। तो हमें सेक्शन 9(2), 9(4) पर फोकस नहीं करना। अब बात करते हैं सेक्शन 9(5). सेक्शन 9(5) क्या बोलता है, देखिए 9(1) में क्या पढ़ा, फॉरवर्ड चार्ज, 9(3) में हमने क्या पढ़ा, रिवर चार्ज, अब 9(5) क्या आ गया, मीन्स ये फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है, ये अजूबा है, ये अजूबा चार्ज है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, देखिए इस केस में कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ा हुआ है। देखिए जब जीएसटी जो है गवर्नमेंट सब पूरा कानून बना रही थी तो लॉ मेकर ने हर किसी को जीएसटी में लाने की कोशिश करी है, यानी कि चाहे कोई भी सप्लायर हो, ठीक है, तो वो जीएसटी के अंडर आना चाहिए, दायरे में आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन बच गया था, ई कॉमर्स ऑपरेटर बच गए थे, तो गवर्नमेंट ने ये उसको बाद में इंसर्ट किया सेक्शन 9(5) में, और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको स्पेसिफिक जो है डाला हुआ है कि यानी कि यहाँ पर ये नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको डीम्ड सप्लायर माना गया है और वही जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। मीन्स ना तो उसमें रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, ना सप्लायर करेगा, यहाँ पर कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करेगा, ऑलराइट। चलिए इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करें सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), तो हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा, सेक्शन 9(5) टॉक्स अबाउट, सेक्शन 9(1) टॉक्स अबाउट ओवरचार्ज,
देखो फॉरवर्ड चार्ज में पढ़ने की जरूरत ही क्या है, अगर हमें पता लगा है कि ये सर्टेन गुड्स या सर्विस ऐसे हैं जिन पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो बाकी सारे क्या बच गए? फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में सिंपल केस है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने शॉपकीपर के पास गए, आपने कोई स्टेशनरी का आइटम खरीदा, उस पर जेकर GST लग रहा है, ठीक है, तो उस यहाँ पर शॉपकीपर इज लाइबल टू पे GST, तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो उसमें पढ़ने वाली बात क्या है, हमें वो स्पेसिफिक या कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन पढ़ने हैं जहाँ पर रेसिपिएंट को ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो हमें वो पढ़ना है कि कौन सी वो लिस्ट गुड्स की है और कौन सी लिस्ट सर्विस की है जहाँ पर रिवर्स चार्ज पढ़ लग रहा है। फॉरवर्ड चार्ज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें आपको, क्योंकि वो तो नॉर्मल सिचुएशन है। तो हमें पढ़ना है जहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, जहाँ पर रेसिपिएंट ही को ही पकड़ा गया है। तो हमें मेनली फोकस करना 93 पे, राइट, और हमें फोकस करना है 95 पे। तो पहले हम एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 95, उसके बाद 93 पढ़ेंगे। चलिए 95 पे आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या बोला है कि लॉ मेकर ने बोला है कि नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ओनली सर्विस रिलेटेड प्रोवाइडर, तो वही गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, गवर्नमेंट में नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लाई वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे GST। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी डिफाइन की गई है, सारे नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, बट गवर्नमेंट यहाँ पर लिस्ट दी है कि हम सिर्फ इन्हीं पे बात कर रहे हैं, बाकी सब केसेस पे तो रिवर्स चार्ज भी लग सकता है, फॉरवर्ड चार्ज पड़ेंगे, वो 91 और 93 में पड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 95 में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की ये कैटेगरी है और ये सप्लाई है, तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे GST, दैट्स इट। ऑलराइट, तो सेक्शन 95 का हम फर्स्ट प्रोविजो पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला हुआ है, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, मींस जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म है जिसका मेनली कंट्रोल मान लीजिए वो आउटसाइड इंडिया से हो रहा हो, मान लीजिए दुबई से हो रहा है, राइट, और वो यहाँ पर इंडिया इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विस उनके द्वारा दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बुक्स जो है सेल कर रहा हूँ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन वो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो दुबई से कंट्रोल्ड है, यानी दुबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, अब मुझे बुक्स वहाँ से आ रही है या मैं कोई सर्विस वहाँ से ले रहा हूँ, तो उस केस में GST कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में, तो वो GST कैसे पे करेगा? तो उस केस में लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोविजन में लिखा हुआ है, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया देन इन दैट केस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे GST। एंड सेकंड प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव देन दैट पर्टिकुलर ई कॉमर्स ऑपरेटर मस्ट अपॉइंट द फिजिकल देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पे GST फॉर दैट पर्पस। यानी कि हर हालत में ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा, किसके लिए? ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज टू पे GST टू द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया कि अगर ये नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे GST। इंडिया में रजिस्टर्ड है तो कोई बात खत्म, बात ही खत्म। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया कहीं कहीं बाहर हैं, उनका उनका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर है, ठीक है, और उनका मेनली बिजनेस वहाँ पर है, लेकिन अगर इंडिया में अगर वो कोई सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ उसे सर्विस की, गुड्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसे सर्विस की, तो उस केस में अगर नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑर्डर के अंदर और GS और सर्विस की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में दे नीड टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव दैट इज फॉर पेइंग GST टू द गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी कौन से सर्विस हैं। पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर आप इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? बिकॉज देखिए कन्फ्यूजन बहुत होती है GST में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए बोल्ड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि यहाँ पर पैसेंजर मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सर तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कार, मैक्सी कैब
मोटरसाइकिल, इससे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे जीएसटी, लेकिन कैसे? इससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है आपने नहीं पढ़ा होगा आई गेस अभी, तो मैं फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ व्हाट इज़ ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स जीएसटी में अगर किसी को रजिस्टर्ड होना है तो उसका प्रोसीजर यानी कि कौन से सेक्शन हो गए, तो मैं आपको मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको ये तीन सेक्शन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हो और अगर उसका ओवरऑल लिमिट मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर एक साल में चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप क्रॉस कर जाते हो, देन एज पर सेक्शन 22 यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यानी कि सेक्शन 22 में आप तभी आओगे अगर आपने ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली, यानी कि इतने यानी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा अगर आपने सप्लाई कर दी एक साल में, तो इस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा, ये सेक्शन 22 बोलता है, राइट। सेक्शन 24, पहले 24 देखते हैं, 24 क्या बोला हुआ है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड सप्लायर की बात करी है कि अगर आप इस टाइप के सप्लायर हो, ठीक है, तो इस केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेगी, तो इस केस में यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, राइट। एंड 23 में क्या बोला हुआ है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमने आपको माफी दे दी, माफी दे दी मीन्स ना तो आप 22 में आ रहे ना 24 में आ रहे, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इस टाइप के गुड्स या सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है ही नहीं, मत कराओ, आप माफी दे दी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22 टॉक्स अबाउट टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी एज पर द थ्रेशोल्ड लिमिट, 24 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ जीएसटी ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड 23 टॉक्स अबाउट दैट इज यू आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ऑलराइट। चलिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कौन से नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस केस में इन सब केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो पहला केस है दैट मीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स सच एज रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी मतलब यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स जो आपके कैब बेस होते हैं, राइट, कैब मोटर कार होगी, मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 पर्सन इन्वॉल्व है, आप पैसेंजर हो, आपने जो है मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है अप्रोच किया, आपको मान लीजिए कहीं बुक जाना है, आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर कौन हो गया, जैसे मान लीजिए ओला या उबर, आपने इसके थ्रू अपनी कैब बुक कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, राइट, तो आपने अप्रोच किसको करा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, कि ओला उबर, कैब बुक हो गई। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने मैसेज नोटिफाई कर दिया किसको, ड्राइवर को। ड्राइवर ने जैसे ही वो आपकी राइड एक्सेप्ट करी, अब ड्राइवर ने आपको कॉन्टेक्ट किया यानी कि पैसेंजर को। देखिए वैसे देखा जाए तो जब आप कहीं पर पैसेंजर आते हो तो देखा जाए तो रियल जो सप्लायर है वो कौन है यहाँ पर, वो सप्लायर ड्राइवर है या ओनर है उस गाड़ी का, ठीक है। तो उस केस में रियल सप्लायर तो यही है, क्योंकि भाई सप्लाई तो यही है आपको, वो ट्रांसपोर्टेशन पेंशन सर्विस तो वही दे रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो टैक्सी जो बुक की है या कैब जो बुक की है वो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को की है। मैं मान लीजिए मैं थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए मैं इसको भूल जाऊँ, मान लीजिए ये है ही नहीं, मीन्स गवर्नमेंट इसको नहीं पकड़ दी ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो इस केस में रियल सप्लायर कौन है, ड्राइवर या ओनर ऑफ दैट कार, तो जीएसटी तो वही पे कर दे क्योंकि सप्लायर कौन है यहाँ पर, ओनर। लेकिन आपने बुक किया ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अगर मान लो वो जीएसटी से बाहर हो जाते तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो मजे में रहते, उनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिफाई करना पड़ा कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सब हैं तो इस केस में हर हालत में जो है इनको क्या माना गया है, गवर्नमेंट ने इनको मान दिया कि आप जो है डीम्ड सप्लायर हो और इस केस में
ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, सीधी सी बात ये गया। आई रिपीट, अगर आप पैसेंजर हो, आपने आपको कहीं जाना है, आपने अप्रोच करा किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है। अब इसमें चाहे ड्राइवर रजिस्टर्ड हो एज पर सेक्शन 22 या एज पर सेक्शन 24, तो उस केस में अगेन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, रजिस्टर्ड हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं ड्राइवर से। अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू कैब बुक करी है तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जो है जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, राइट। चलिए एक बार केस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ पैसेंजर डायरेक्टली अप्रोच टू ड्राइवर, यानी कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को देख नहीं रहे, आप पैसेंजर हो, आपने डायरेक्टली जो है ड्राइवर को या ओनर ऑफ द कार को अप्रोच करा कहीं जाना आपको, तो अगर मान लीजिए वो ओनर या ड्राइवर अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर उस केस में तो क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल ही नहीं है, तो उस केस में कौन पे करेगा, वो ओनर ही पे करेगा, वो ओनर ही जो है या ड्राइवर ही जो है वो जीएसटी वो पे करेगा, सप्लायर कौन है पर वो ओनर, तो उस केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए वो ड्राइवर अनरजिस्टर्ड हो तो क्या करेंगे, तो फिर इसमें जीएसटी है ही नहीं, पैसेंजर नहीं करेगा इसमें, पैसेंजर क्यों करेगा, पैसेंजर क्योंकि अपने आपको जीएसटी में से कराता फिरेगा, ऐसे तो लाखों करोड़ों पैसेंजर है। तो उस केस में क्लियरली बोला कि अगर पैसेंजर अगर ड्राइवर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो फिर उस केस में जो है वो, अच्छा रजिस्टर्ड मीन्स चाहे वो अंडर सेक्शन 22 के अंडर हो या फिर अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी रजिस्टर्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग हो, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उस केस में द ओनर इज लायबल टू पे जीएसटी, राइट। केस नंबर टू, इफ पैसेंजर अप्रोच ड्राइवर इनडायरेक्टली यानी कि बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, दैट्स इट, क्लियर। चलिए सेकंड केस है, सेकंड और केस थर्ड केस हम एक साथ लेके चल रहे हैं, होटल अकोमोडेशन या फिर हाउसकीपिंग सर्विस। होटल अकोमोडेशन मीन्स ऐसा मान लीजिए अगर आपने आपको कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, हिल स्टेशन जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, आपने ट्रिवागो से अपने जो होटल अकोमोडेशन के स्टे 3 दिन का आपने बुक कर लिया, तो आपने बुकिंग कैसे करी, थ्रू दी ई कॉमर्स ऑफ्टर प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रिवागो। अब उस केस में जो है जीएसटी कौन पे करेगा, सर अब तो हम खुद ही कर लेंगे, आपने एक एक से एक केस करा दिया ड्राइवर वाला ऑल ओवर वाला, अब तो बाकी हम करेंगे, नहीं आप नहीं करवाओगे, यहाँ थोड़ा मामला फंस जाता है, ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पर मैं दोनों केस पढ़ा रहा हूँ, हाउसकीपिंग सर्विस भी होटल को, और दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने होटल बुक किया, राइट। अब अगर मान लीजिए सप्लाई कौन है, होटल, अगर वो होटल वाला रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 22, रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 22, सो होटल वाला इज लायबल टू पे जीएसटी। आई रिपीट, अगर आपने होटल बुक किया है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और एंड होटल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी एज पर सेक्शन 22, देन इन दैट केस ओनली होटल इज लायबल टू पे जीएसटी। बट अदर केसेस में मान लीजिए सप्लाई यानी कि होटल अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड ही नहीं है, या फिर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो रजिस्टर्ड है ना, लिखता हूँ, या तो वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू बी जीएसटी। देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर होटल को जब डायरेक्ट फ़ोन बुक किया, मान लीजिए कहीं शिमला जा रहे हो आप, आपके पास होटल वाले का नंबर है, फ़ोन नंबर है, गूगल से अपने फ़ोन नंबर निकाला और आपने डायरेक्ट होटल जो बुक कर लिया 3 दिन के लिए, तो आपने अप्रोच डायरेक्ट होटल वाले को किया, तो उस केस में से आपको बस देखना है कि होटल वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है तो होटल वाला ही इज लायबल टू पे जीएसटी, अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने होटल को बुक किया, तो फिर दो केस होंगे, क्या होटल वाला रजिस्टर्ड है तो वो कौन सा सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड है, और नहीं है तो फिर कौन पे करेगा। देखिए अगर रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 22, देन इन दिस केस ओनली होटल इज लायबल टू पे जीएसटी। बट अगर होटल वाला इज अनरजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन 24, देन इन दिस केस ओनली
ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू बी जीएसटी, दैट्स इट। यही सेम केस जो है आपका हाउसकीपिंग में भी होता है। हाउसकीपिंग में जैसे अर्बन क्लैब, आपने अर्बन क्लैब के थ्रू अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो अगर अर्बन क्लैब में क्या है, वो आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब उसमें एन नंबर ऑफ सर्विसेज, जैसे ट्यूशन का हो गया या फिर क्लीनिंग का हो गया, आजकल बहुत सारी सर्विस आ रही है अर्बन क्लैब में, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए, अगर आप सेम वही, अगर आप रियल सप्लायर्स अगर रजिस्टर्ड एसोसिएशन रिलेटेड हो, तो ओनली दी रियल सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट्स इट। ठीक है, तो होटल वाला और हाउसकीपिंग में दोनों केस सेम है, राइट। तो ये था आपका सेक्शन 9.5, दैट मीन्स वेयर ई कॉमर्स, कौन सा ये है, ये नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर इन रिलेशन टू सर्विसेज, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, राइट। तो देखिए, अभी हमने सेक्शन 9.5 पूरा कवर कर लिया है, अब हम आ रहे हैं सेक्शन 9.3 में। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे, क्योंकि सर्विस की लिस्ट तो बहुत सारी है, बट गुड्स वाला फिर भी इजी है, तो इसलिए हम सर्विस से करेंगे, यानी कौन से स्पेसिफाइड गुड्स हैं। यानी कि 9.3 देखिए, पहले बात करते हैं 9.3 हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 9.3 दैट मीन्स वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स में, यानी कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक गुड्स हैं जहाँ पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो देखिए, ये आपको लिस्ट ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9.3, लिस्ट दी गई है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए सप्लायर कौन है यहाँ पर, एग्रीकल्चरलिस्ट किसान है, सप्लाई क्या कर रहा है वो, कैश्यू नट्स हो गया, नॉट शेल या फिर पील्ड, ठीक है। तो अगर वो सप्लायर ये सब कर रहा है, तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी। रेसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, आई रिपीट, सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट, सप्लाई क्या कर रहा है वो, कैश्यू नट्स, नॉट शेल्ड और पील्ड, ठीक है। अगर ये टाइप ऑफ सप्लाई है गुड्स के केस में, तो अगर वो सप्लाई कर रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी। सर अनरजिस्टर्ड हो तो फिर तो जीएसटी नहीं है, बात ही खत्म, राइट। सेकंड केस एग्रीकल्चरलिस्ट, क्या है वो टाइप ऑफ सप्लाई के, बीडी रैपर क्लिप्स हो गए, और अगर वो इस टाइप की सप्लाई कर रहे हैं किसको, अन्य रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ओनली दे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, राइट। जैसे कंपनी, जैसे मान लीजिए आईटीसी, आपको पता है आईटीसी का काम यही है, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह गिरते हैं। जैसे सेकंड थर्ड केस टोबैको प्रोडक्ट हुई है, ठीक है, तो उस केस में जैसे मान लीजिए आईटीसी कंपनी करती है बीडी रैपर को या टोबैको लीव्स खरीदती है, किससे खरीदती है, फार्मर से खरीदती है। तो यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है, आईटीसी, सप्लायर कौन है, फार्मर्स, क्या सप्लाई कर रहे हैं वो, बीडी रैपर लीव्स या टोबैको लीव्स, उस केस में दैट कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, किसान नहीं करेंगे जीएसटी पे, ऑलराइट। तो ये तीन केस हमारे कवर हो गए। फोर्थ केस क्या है, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम लॉ सिल्क रोल सिल्क फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, क्या सप्लाई कर रहे हैं सिल्क यार्न, तो उस केस में एग्रीकल्चर पर्सन ही जो है, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन ही जो है वो पे करेगा। जैसे मान लीजिए सिल्क यार्न हो गया, रो कॉटन केस में भी हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई क्या करता है, जैसे किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं, जैसे फर्नीचर में देखिए सोफे में या बेड पे जैसे क्या करते हैं, कॉटन काफ़ी डालते हैं, कॉटन डालते हैं, तो उस केस में कॉटन कहाँ से आएगा, वो फार्मर से खरीद रहे हैं, ठीक है। और फैक्ट्री में वो उसको जो है उसका प्रॉपर जो है अपने उसमें फर्नीचर के अकॉर्डिंग उसको शेप देते हैं, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, तो वो कौन है, फैक्ट्री है, तो वो रजिस्टर्ड है वो जीएसट में, तो अगर वो रजिस्टर्ड हैं रेसिपिएंट, तो ओनली दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी, राइट। देन ये क्या किस, अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ लॉटरी। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए जैसे आप कोई लॉटरी खरीद रहे हो, तो आप लॉटरी किससे खरीदते हो, डायरेक्ट सरकार से खरीदते नहीं हो, किससे खरीदते हो, कोई एजेंट होता है या कोई लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप उसे लॉटरी खरीदते हो, राइट। लेकिन जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास लॉटरी कहाँ से आती है, देखिए उसके पास लॉटरी बेचने का लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस कौन देगा, सरकार ही देगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूटी हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो,
तो सरकार से इसको लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कहते हैं पहले सरकार उस लाइसेंस देती है और उसको लॉटरी भी देती है। तो यहाँ पर सरकार और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर सप्लाई कौन है? सरकार। रेसिपिएंट कौन है? वो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो उस केस में द लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर इज लाइबल टू पे GST। सीधी सी बात है। ऐसा केस क्यों हुआ? बस सीधी सी बात है, सप्लाई कौन है? सप्लाई कौन है यहाँ पर? सरकार। अगर मान लीजिए ये फॉरवर्ड चार्ज में आता तो इस केस में क्या होता? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर सरकार से टिकट खरीदता, ठीक है, और टैक्स बियर करता, और फिर वो सरकार को कहते चले जाता। तो फिर सरकार के अपने आप को टैक्स पे कर दी, इसलिए बोला कि यहाँ पर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर बियर ही करेगा, और तो वही जाके जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फंस गया मामला। नेक्स्ट वन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या फिर लोकल अथॉरिटी। सप्लाई का यहाँ पर यूज व्हीकल्स सीज हो गया, कॉन्फिस्केटेड गुड्स हो गए, ओल्ड एंड यूज गुड्स हो गए, विशन स्क्रैप हो गया। अगर वो सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे GST। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि जैसे कोई लोरी होती है वो गाड़ी को सीज कर लेते हैं, मान लीजिए कोई क्राइम में कोई गाड़ी पकड़ी गई, पता नहीं चल रहा ओनर कौन है, या फिर मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, आपने जो है अनपार्किंग एरिया में जो है गाड़ी पार्क कर दी, अब मान लीजिए उसको लोरी में जाके वो पुलिस थाने में जो है गाड़ी चली गई, तो क्या आपकी गाड़ी को क्या कर लिया? जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई चोरी की गाड़ी पकड़ी गई किसी की, तो कोई ठीक है बाद में वो कहाँ चली गई? सरकार के पास चली गई। तो कोई यूज व्हीकल अनयूज हो गई या ओल्ड हो गया या कॉन्फिस्केटेड हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए बाद में सरकार क्या करती है, इनको ऑक्शन में डाल देती, ये गाड़ी ऑक्शन में लो, तो ये उसका पैसा कहाँ जाएगा? सरकारी खजाने में जाएगा। तो वो अगर गाड़ी कौन खरीद रहा है? अगर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे GST। सीधी सी बात है। देन अगर मान लीजिए एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन एनी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, ये ध्यान से देखिए। हम देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है वो बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए RBI ने अपने जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, उनको ऑर्डर किया हुआ है कि आप जो है अपना कुछ रिजर्व बचा के रखिए। जैसे मान लीजिए 10% हो गया कैश रिजर्व, और उसको आप लैंड कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, करना ही करना है आपको। यानी कि बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है कि ये 10% रिजर्व, या 10% ये कह सकते हो कि 10% ऑफ वो 10% ऑफ ओवरऑल 10% ऑफ ओवरऑल लैंडिंग, तो उनको कुछ स्पेसिफिक पर्पस में जो है उनको उधार देना होगा। कौन कौन सा ऑर्डर हो, कौन कौन सा स्पेसिफिक एरिया होगा, जैसे मान लीजिए टू एग्रीकल्चर, या फिर मान लीजिए टू स्मॉल फार्मर्स, टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको आपको लोन देना है। देखिए शहर में जितने भी बैंक खुले हुए हैं वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं, वो अपना बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को वो लोन भी देते हैं, वहाँ से वो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इंटरेस्ट के थ्रू अर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सारा बैंक अगर देखो यही काम करेगा, वो अमीरों को ही लोन देंगे, तो फिर बाकी जो किसान जो रूरल एरिया में है या कोई ऐसा जो कि अपना स्टार्टअप करने जा रहा है, तो उनको लोन कहाँ से मिलेगा? तो उस केस में जो यहाँ पर RBI ने क्या कर रखा है, नेशनल बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप 10% ऑफ ओवरऑल लैंडिंग जो आपको इन स्पेसिफिक एरिया में आपको पैसे उधार देने होंगे। कौन कौन से एरिया होंगे? चाहे वो एग्रीकल्चर होंगे या उनसे भी छोटे फार्मर एरिया होंगे, ठीक है, या फिर स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी जो स्टार्टअप अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका आपको 10% ओवरऑल लैंडिंग का आपको इस एरिया में देना होगा।
तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर हैं जहाँ पर उनको अपना पैसा जो है लैंड करना होगा, उधार में देना होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर से आपको क्या है, मान लीजिए कोई लोन लेने आ रहा है तो एग्रीकल्चर से आप ज़्यादा ब्याज ले नहीं सकते एज़ कम्पेयर टू द कमर्शियल, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि भाई इनको भी, ये भी तो हमारे देश का हिस्सा है, तो इनको भी जो है देखो यहाँ पर लोन मिलना चाहिए आसानी से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि पहले आप इनको लोन दो और बाद में जो बचा कुचा पैसा है आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अच्छा मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए एक बैंक है, ए बैंक है और एक बी बैंक है। मान लीजिए ए बैंक ने जो है इस प्रायोरिटी सेक्टर में 9% जो है अपना लिमिट, ओवरऑल जो लिमिट के है वैसे कितनी है, 10% है, 9% कवर कर लिया। और बी ने मान लीजिए ओवर लिमिट क्रॉस कर लिया, यानी कि ओवर रीच्ड हो गया इसका 12%, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि ए जो है वो इससे अपना सर्टिफिकेट बोलेगा, वो बोलेगा कि आप मुझे 1% जो आपने ओवरऑल इन सेक्टर्स में, कौन से सेक्टर में, इन सेक्टर में आपने 12% जो है अपना लैंड किया हुआ मनी को, 12% आप हमें इसका 1% आप दे दो, हमारे जो है 1 10% की लिमिट जो है वो हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो डील हो रही है, यानी वो ए बोल रहा है बी को कि आप हमें जो है, यानी कि बी जो है ए को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। मींस इन्होंने जितने मनी लैंड किए उसका कुछ पार्ट वो इनको ट्रांसफर करेगा, तो इसको ब्याज कौन कौन खाएगा, वो तो ये वाला बैंक खाएगा। तो इस केस में बी क्या बोलेगा कि मैं आपको ऐसे दे दूं, नहीं। इसमें कहते हैं कि आरबीआई ने एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, दैट मीन्स वो ऑक्शन के थ्रू होता है, ऑक्शन के थ्रू होता है, राइट, जहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होता है कि, और ये प्राइस कैसे डिमांड होगा, पैसा कैसे, ओनली बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉपर ऑक्शन होगा। सिर्फ एक बैंक नहीं, यहाँ पर और भी बैंक जो है इसका जो है हिस्सा ले सकते हैं। मान लीजिए कोई और बैंक भी है, सी बैंक है, डी है, इनकी भी जो है वो मान लीजिए किसी का 8% हो रहा है, किसी का मान लीजिए 9.5% हो रहा है, तो वो भी तो इनसे जो है वो सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे बी से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बी जो है मान लीजिए वो ए को सर्टिफिकेट इशू ना करना चाह रहा, वो बोलेगा भाई आप हमें पैसे कम दे रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि ऑक्शन जो कि आरबीआई के अंडर होगा, ठीक है, और जो ज़्यादा पैसे देगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक टू बैंक की बात हो रही है, तो ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। अगर मान लीजिए बी बैंक ए बैंक को जो है प्रायोरिटी सर्टिफिकेट दे रहा है, तो सप्लायर कौन होगा, ये सप्लायर हो गया और ये रेसिपिएंट हो गया। तो इस केस में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, इसकी बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर प्रायोरिटी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी, दैट्स इट। सो ये हमारे सर्टेन गुड्स की लिस्ट है वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अभी हमने जो है सेक्शन 9595 कवर कर लिया है, 93 का हमने सिर्फ आधा ही, आधा आधा किया, मैं तो बोल रहा, अभी हमने सिर्फ ये 20% ही कवर किया है। मेनली जो लिस्ट है वो सर्विसेज केस में है, राइट। एंड सर्विस में हम बहुत कुछ और भी कुछ पढ़ेंगे इन एडिशन। तो हमने सेक्शन 9(3) में हमने सिर्फ गुड्स कवर किया है, यानी कि कौन से नोटिफाइड गुड्स हैं जहाँ पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, ऑलराइट। सो दिस इज दी ऑल अबाउट, दैट मीन्स लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सर्विस केस में, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।